तो गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बन गए? छोटे से गणेश जी, खूब बड़ा पेट गणेश जी का, कहते ना लंबोदर बड़ा पेट है, सूंड बड़े बड़े कान, हाथी जैसा शरीर, ऐसे गणेश जी को प्रथम पूज्य किसने बनाया? जब संसार में यह बात आई कि प्रथम पूज्य देवता कौन बने, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो संसार की सबसे पहले परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे सामने आके खड़ा होगा उसे मैं प्रथम पूज्य बना दूंगा। सब देवी देवता तैयार हो गए, सबके पास अपने अपने बड़े बड़े वाहन हैं, साधन हैं, रथ है, हाथी हैं, घोड़े हैं। अब गणेश जी ने कहा मैं तो भाग ही नहीं लेता, मुझे नहीं करनी परिक्रमा संसार की। क्यों? क्योंकि गणेश जी का वाहन इतना सा चूहा और गणेश जी खुद इतने बड़े। अब गणेश जी कहें कि बताओ मेरा चूहा तो हार जाएगा, इसलिए इससे अच्छा है कि भाग ही ना लूं, जो बने प्रथम पूज्य बनने दें। गणेश जी चुपचाप बैठे थे। उस समय गणेश जी के पास पहुंचे नारद जी और नारद जी ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी आप क्यों परिक्रमा नहीं करते? गणेश जी ने अपनी बात रखी कि करके भी हारना ही है, मेरा वाहन चूहा है, इतना मोटा हूं मैं, हारना है, मैं नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा और यदि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि आपका काम सरलता से हो जाए तो? गणेश जी ने कहा तो अच्छी बात है, बताइए। नारद जी ने पृथ्वी पर लिखा सीताराम। क्या लिखा? सीताराम। और गणेश जी से कहा कि इस नाम की आप 7 परिक्रमा कर लो। कितनी परिक्रमा? 7। जब आप इस सीताराम नाम की 7 परिक्रमा कर लेंगे प्रभु, तो एक बार नहीं 7 बार आप ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सीताराम में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ। एक कथा, ये कथा राम का चरितमानस में आती है। एक कथा यह भी आती है कि आप अपने माता पिता की परिक्रमा कर ले, सीताराम भी माता पिता ही है। तो सीताराम लिखकर के 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। और गणेश जी ने वह कर लिया। जब गणेश जी ने वह कर लिया, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी ने सीताराम नाम की परिक्रमा की थी, सीताराम की परिक्रमा नहीं, उनके नाम को लिख के उसकी 7 परिक्रमा की थी। और ये सीताराम नाम का प्रभाव था कि श्री गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य देवता बना दिया गया। सीताराम नाम की महिमा कितनी बड़ी है, महिमा है या नहीं? स्वयं महादेव काशी में बैठ के महामंत्र को गाते हैं। गणेश जी ने पृथ्वी पर लिख करके 7 बार परिक्रमा की तो वे क्या हो गए? प्रथम पूज्य हो गए।